अस्सलामुअलैकुम। आज मैं पसंदे बना रही हूँ। पसंदे बनाने की आप लोगों को रेसिपी देने जा रही हूँ। पसंदे बनाने के लिए जिन चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत होगी, सबसे पहले वो लिस्ट आप लोगों को नोट डाउन करवा दूँ, आप लोग जल्दी जल्दी लिख लें मेरे साथ। ये देख सकते हैं, हाफ के जी मैंने ये पसंदे लेनी है। पसंदे यकीनन आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से बने जाते हैं। ये इस तरीके के पतले पतले से गोश्त के पीसेस को हम स्लाइस करवा लेते हैं। हाफ के जी पसंदे हैं, ये तीन मीडियम साइज की प्याज है, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स पाउडर, धनिया का पाउडर, टर्मेरिक हल्दी 1/2 टीस्पून, ऑल स्पाइसेस पाउडर गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, और अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा कम ज़्यादा, लाल मिर्चों का पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट 1/1 टेबल स्पून, हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स हस्बे ज़रूरत, लास्ट में हम मैरिनेशन में भी यूज़ करेंगे और लास्ट में हम इसको गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे। अच्छा, ये है पॉपिक सीड, इसको खशखस, इस अच्छी तरह से इसको मैंने पीस लिया है, वॉश करके धो के इसको मैंने पीस के, तकरीबन ये 3 टेबल स्पून है, 4 to 5 टेबल स्पून योगर्ट, दही, ऑयल हस्बे ज़रूरत और 1/2 कप। ये है कचरी पाउडर, आप इसकी जगह मीट टेंडराइजर भी यूज़ कर सकते हैं, आप कच्चा पपीता भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। ये गलावट के काम आता है, गलाने में यूज़ होता है, ये सॉफ्ट करेगा हमारे मीट को बहुत अच्छे से। अब करना ये है, सबसे पहले आपने मीट ले लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे, रेड चिल्ली पाउडर, ऑल स्पाइसेस गरम मसाला पाउडर, टर्मरिक हल्दी, कचरी पाउडर, धनिया का पाउडर, खशखश, दही और ये जो हरा धनिया है, ये तमाम चीजें गोश्त में शामिल कर दें। गोश्त में शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत, प्लीज़ आप लोग वीडियो मेरी लास्ट तक देखा करें। समटाइम ऐसा होता है कोई इंग्रेडिएंट मिस हो जाता है बताने में, तो वो मैं ऐड करवाती जाती हूँ साथ साथ, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको हर रेसिपी परफेक्ट और प्रॉपर मिल सके। इसको मैरिनेट करके कम से कम अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपकी सहूलत के लिए, अगर आपको इजी लगता है और कन्वीनियंट लगता है तो आपने इसके अंदर ये 3 प्याज लेकर, इसको पहले से अगर आपने ब्राउन करके रखा हुआ है तो 1/2 कप, नहीं करके रखा हुआ तो आप इसको 1/2 ब्राउन करके इसी में साथ शामिल कर सकते हैं, नहीं तो जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी उस तरीके से आप पका लीजिएगा या बना लीजिएगा। बहुत अच्छे से इसको तमाम पीसेस को मैरिनेट कर लें और अब इसको 3 आवर्स के लिए हम छोड़ देंगे। अच्छा, पसंदों को हमारे मैरिनेट हुए 3 आवर्स हो गए, अब हम इसकी कुकिंग की तरफ जा रहे हैं। एक पैन ले लिया मैंने, पैन ले लिया, 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया। जैसा कि मैंने आपको कहा था, प्लीज वीडियो पूरी देखा करें, बीच में लास्ट में कोई ना कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसा होता है या कोई टिप ऐसी होती है जो बता रही होती हूँ, भूल जाती हूँ मैं अक्सर। अभी भी मैं आप लोगों को ये बताना और दिखाना भूल गई थी, 3 से 4 अदद ग्रीन कार्डेमम, 4 से 5 अदद लौंग। जैसे आपका ऑयल प्री हीट हो जाए, तेज गर्म हो जाए, उसमें आपने ये चीज शामिल कर देनी है। सिर्फ इसको 1-2 मिनट कड़कड़ाने देना है आपने, जैसे चटक जाएगी तो आपने ये प्याज को हमने काटी थी वो शामिल कर, आप प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लें। जैसा कि मैं आपको कहती, ब्राउन प्याज हम उसमें डायरेक्टली शामिल करके एक साथ चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रोसेस से भी पका सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लें प्याज को,
अच्छा, जब प्याज बहुत अच्छे से इस गोल्डन कलर में आ जाए, ये देख सकते हैं जलाना नहीं है प्याज को, बहुत ब्लैक नहीं करना, नहीं तो खाना आपका सालन या जो भी चीज बनाते हैं वो उसमें कड़वाहट आ जाती है अगर हम प्याज को डार्क ब्राउन कर लेते हैं तो। इस तरह से हल्की हल्की जब गोल्डन कलर में जब प्याज आ जाए तो उसके अंदर आप ये जो हमारे पसंदे हैं ये शामिल कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखे प्याज ब्राउन हो गई, पसंदे मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसी बॉल के अंदर तकरीबन एक कप पानी, एक कप पानी शामिल करना है। ज्यादा पानी नहीं डालिएगा, गोश्त दही सब चीजें पानी भी छोड़ेंगी। और दूसरी बात, इसमें हमने जो कचरी पाउडर लगाया है वो इसको हेल्प करेगा सॉफ्ट और टेंडर होने में, तो बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो बहुत ज्यादा गल जाएंगे। अब इसको स्लो फ्लेम पे दम पे, जैसे दम से थोड़ा सा तेज चूल्हा रख के गलने के लिए छोड़ देंगे। गलने के लिए छोड़ देंगे, जब ये गल जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी आगे हमें इसमें करना क्या है। इसीलिए कह रही हूँ लास्ट तक देखिएगा वीडियो जरूर, आगे आपको एक जबरदस्त सा डिफरेंट सा फ्लेवर इसमें बताऊंगी कैसे हम इसको दूसरे फ्लेवर में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं इसको तकरीबन पकते हुए 40 मिनट हो गए। अब मैं इसको चेक कर लूंगी, ये देखें इसका तमाम पानी खुश्क हो गया है, ये भुनाई पे आ गए हैं और ये हमारा मीट भी बहुत अच्छी तरह गल गया है, ये देख सकते हैं। मीट गल जाए, भुनाई अच्छी सी, ऑलरेडी इसको मैंने दम पे रख के पकाया था तो ये बहुत अच्छे से भुन गया है। इसको मज़ीद एक दो मिनट भून लेंगे हम। अच्छा, भुनाई हो जाए, जब ऑयल ऊपर आ जाए इसमें हाफ कप, बहुत ज्यादा नहीं ऐड करिएगा, हाफ कप पानी ऐड करके थोड़ी सी ग्रेवी के लिए इसको हम थोड़ी 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। अच्छा, देख सकते हैं 5 मिनट इसको मैंने दम दिया था, पसंदे हमारे बिल्कुल रेडी है। इसमें बहुत ज्यादा शोरबा नहीं होता, ये भी तरह ठीक बनते हैं। अब जो मैं आपको टिप देने चाह रही थी उसमें ये था कि ये तो हमारे पसंदे बिल्कुल रेडी है, नंबर वन ऑप्शन। नंबर टू, आप इसके ऊपर कोयले का स्मोक कर सकते हैं, स्मोकी पसंदे तैयार हो जाएंगे। नंबर थ्री ऑप्शन, आपने इसके ऊपर 2-3 टेबल स्पून क्रीम शामिल कर देनी है लास्ट में, हरे धनिया से स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही जबरदस्त मजेदार से हमारे पसंदे तैयार हैं, स्मोकी फ्लेवर में भी बहुत मजेदार लगते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी स्मोकी पसंदों की रेसिपी भी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।